हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी. आई होप ऑल फ्यू डूइंग ग्रेट तो आप सबका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या बनारस सिंधु यूनिवर्सिटी अब सी यू सी में नहीं है क्योंकि फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वी आर एबल टू सी कि हाँ वो है और लॉ का एग्जाम भी आ, जो आपका है वो उसके थ्रू हो रहा है बहुत ही क्लियरली हमें वहाँ से दिख गया है बट बी का अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं आई है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो क्लैरिटी है वो मिल नहीं रही है तो पहले मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ पर नहीं यूनिवर्सिटी मैंशन तो जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर मैंशनड ही नहीं है तो यहाँ पर ये सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं सी यू की तो अगर हम यहाँ पर जाकर देखते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू झारखंड केरला राजस्थान बिहार तमिलनाडु तो मतलब सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मैंशनड है यूनिवर्सिटी ऑफ डेली हमारी यहाँ पर मैंशनड है जिसके अंदर अगर हम जाएँ तो हमारा डेली यूनिवर्सिटी के अंदर हमें बहुत क्लियरली मैंशन किया हुआ है कि लॉ भी इसके अंदर है तो हमें बहुत क्लैरिटी आ गई है कि हाँ लॉ का पेपर जो है हमारा डेली यूनिवर्सिटी का वो सी यू टी पी जी के थ्रू ही होगा ठीक है ना मैं आपको दिखा देती हूँ लॉ मैंने देखा था एक मिनट रुक जाइए बस एल एल बी आप देख पा रहे हो ये एल एल बी है सी ओ क्यू पी एलेवन ये हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का खोला है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमें पता चल रहा है कि यू नो वहाँ से ही होगा मतलब सी यू टी पी जी लॉ से होगा बट यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहीं पर भी नहीं दिख दिखाई दे रही है मैंने बहुत बार चेकआउट कर लिया है नहीं दिख रही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आप लोगों ने भी यही कहा है कि नहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहीं पर भी दिख पा रही है ठीक है ना तो अभी हमें क्या करना चाहिए वॉट वी शुड डू हमें वेट करनी चाहिए क्या आई थिंक हमें सेवन टू टेन डेज तक वेट कर लेनी चाहिए क्या पता कोई अपडेट आ जाए बिकॉज बहुत बार सी यू ई टी वाले जो हैं एन टी ए वाले जो हैं वो बहुत बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं मिस आउट कर देते हैं लास्ट ईयर ऐसी ही गलती करी थी उन्होंने सिलेबस के अंदर गलती कर दी थी ठीक है ना मतलब एम का सिलेबस बना दिया था लॉ का और लॉ का एम वाला ऐसे चेंजेस फिर बाद में चेंज होकर ठीक हो गया था वो तो देखते हैं बी अगर नहीं होता है सेवन टू टेन डेज में कुछ भी तो फिर बी एच यू लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट किया करता था तो हम उसका सिलेबस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एंड यू नो यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दैट सिलेबस वो देख सकते हो अगर आप पर्टिकुलरली बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो राइट नाउ वी शुड वेट एंड वॉच बिकॉज बहुत बार एन टी एसी गलतियाँ कर जाता है कि मिस आउट हो जाता है बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये यह भी लग रहा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने लॉ जो एडमिशन होती थी सी यू टी पी जी के साथ थ्रू इस बार बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसा देखने में लग रहा है आ, तो देखते हैं कि क्या होता है राइट right. एंड या आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच एंड अगर सेवन टू टेन डेज में कुछ भी नहीं होता है देन आई थिंक प्रॉबेबली यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग द बी एच यू थ्री ईयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस जो पुरानी वीडियोज़ हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बट आई वुड से वेट फॉर सम टाइम एंड देन ओनली यू शुड स्टार्ट तब तक मैं भी वीडियो कर दूंगी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है ज़रूर शेयर करें आपको क्या सुनने में आ रहा है ज़रूर शेयर करें ठीक है ना तो इन द कमेंट सेक्शन डू कमेंट अबाउट इट एंड या अगर आप सी यू टी यू जी पी जी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी और यूनिवर्सिटी देन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी डेट्स सबको जो भी है लीगल अवेयरनेस के लिए जो ऐड हुआ है अभी उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी वीडियो मैंने कर दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ आई आएल सी यू सुपर सून आई होप जो आपके कॉमेंट्स आए थे बार बार मैं उनको आंसर कर पाई हूँ बाई